शानदार, धारदार, बेमिसाल और कातिलाना। विशेषण कम पड़ जाएंगे लेकिन मोहम्मद शमी की तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। आईसीसी वर्ल्ड कप में शमी ने गेंदबाजी से आग लगा रखी है। सिर्फ 6 मैच खेले हैं और उसी में 3 बार 5 या फिर ज्यादा विकेट उन्होंने झटक लिए हैं। शमी का सर्वश्रेष्ठ शायद अभी आना बाकी है, मगर सेमीफाइनल में भी अपने प्रदर्शन से उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी ने 7 विकेट लिए। ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी भी भारतीय गेंदबाज का ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। आपको बता दें कि आईसीसी नॉकआउट भी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस में से एक मानी जा रही है। शमी ने कीवी बल्लेबाजों की जैसी हालत की, उसके बाद मीम्स बनाने वाले जो है वो स्वाभाविक थे कि उनके ऊपर मीम्स बनने वाले हैं। मीम्स का बुखार पुलिस के सिर पर भी जो है वो चढ़ गया है। दिल्ली और मुंबई की पुलिस ने शमी के बेहतरीन प्रदर्शन पर कैसे मौज ली, आइए आपको बताते हैं। दरअसल शमी के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर लिखा कि उम्मीद है कि आप आज रात के हमले के लिए मोहम्मद शमी पर मुकदमा नहीं करेंगे। मुंबई पुलिस भी कहां चूकने वाली थी, पलटवार कर उन्होंने भी एक्स पर लिखा कि आप अनगिनत दिल चोरी करने के आरोप लगाना भूल गए और कुछ सह अपराधियों का नाम भी नहीं लिखा है आपने। पब्लिक को ये सब सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उन्होंने मुंबई पुलिस ने यह भी लिखा कि प्यारे नागरिकों, दोनों विभाग अच्छे से आईपीसी जानते हैं और मानते हैं कि आप में गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। आपको बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला हुआ, उसमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 397 रन बनाए। विराट कोहली ने वनडे में रिकॉर्ड जो है अपना दर्ज किया, 50वां शतक विराट कोहली ने लगाया। वो ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने हैं। वहीं अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी ठोकी है। शुभमन गिल ने 80 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 29 बॉलों पर 47 रन जो है वो बनाए। केएल राहुल ने भी 39 रन बनाए 20 बॉलों पर। इसके बाद उनका भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। अगर हम बात करें पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करते हुए कीवी टीम को शुरुआती झटके लगे शमी की बदौलत। ये झटके जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को लगे, हालांकि इसके बाद पारी संभालने और 40वें ओवर तक 2 मैच सफलता दिखा रहा था और इसके बाद शमी का जादू चला मैच में। कीवी की जो पारी थी वो ढह गई। शमी ने न्यूजीलैंड के टॉप 4 समेत कुल 7 बल्लेबाजों को आउट किया। भारत ने 70 रनों से मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। मोहम्मद शमी को उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।